ईवीएम का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम मशीनों की पहले चरण की जांच शुरू हो गई है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ईवीएम जांच पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ने बिना किसी राजनीतिक पार्टियों की जानकारी के ईवीएम मशीनों की जांच शुरू कर दी है, जो पूरी तरीके से गलत है। तो एक तरफ जहां ईवीएम के ऊपर बार बार सवाल उठते रहे हैं और पीछे सारी पार्टियां जब मिली थी उस दिन भी ये बात रखी थी, एक दो पार्टियों को छोड़ करके मैं समझता हूं कि सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से उसके ऊपर शंका जाहिर की थी। विपक्षी पार्टियों का ईवीएम राग पुराना है। विपक्षी पार्टियां हार का ठीकरा हमेशा ईवीएम पर फोड़ती हैं। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसे देखते हुए विपक्ष ईवीएम का वही पुराना राग अलापने में लगी है। R9 TV के लिए चंडीगढ़ से OP शर्मा की रिपोर्ट।